अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पया। जेलम दी वाइत तफरीगा अल्ताफ पार्क है जिहड़ा दरिया जेलम दे किनारे वाक है। इसनू इस वास्ते भी खास मुकाम हासिल है कि इस तू अलावा जेलम दे विच कोई और तफरीगा नहीं जिथे लोग जा सकन। यही वजह है कि ईद के तीसरे दिन भी लोगों का रश बहुत सी। अपना न्यूज़ में गल करदा जेलम दे शहरियों ने दस्या कि ईद का त्यौहार साडे मजहब दे विच एक नमाया हसीयत रखता है और सानू इस मौके उत्ते उन्हां लोगों नहीं भुलना चाहिए जेडे साडे तू दूर न और वो लोग भी जेडे ईद करने की इस्तेताद नहीं रखते। ईद वाले दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा, हम लोगों ने काफ़ी सैर वगैरह की है, किला रोहतास किए हुए थे और इधर जेलम शहर में आए हुए हैं। अपने खाली शहर में भी हमने बहुत कुछ मजा किया है और जो लोग अपने से बिछड़े होते हैं, जो बिछड़े होते हैं ना, ईद वाले दिन वो स्पेशल होता है कि आप अपने बिछड़ों को मिले और ये सेलिब्रेशन होती है। ईद का दिन एक वाहिद दिन होता है जिसमें हर एक बराबर होते हैं, कोई नहीं है कि छोटा बड़ा, इसमें कुछ भी नहीं होता, हर एक इक्वलिटी है। क्योंकि इस्लाम जो हमारा मजहब है वो भी यही हमें पैगाम देता है, दर्ज देता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए। अब कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी ईद वाले दिन भी मैं न्यूज़ चैनल पर यही देख रही थी कि तो क्या हुआ है, इतने ज़्यादा लोग, उनकी डेथ हो गई है, तो फिर क्या सेलिब्रेशन इधर होगी। इधर तो है मज़ा आ रहा है लेकिन पैगाम यही कि अमन होना चाहिए। यहाँ पर झूले लिए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर अब हम ट्यूलिप जा रहे हैं, वहाँ पर भी झूले लेंगे और फिर घर चले जाएंगे। अपने दोस्तों को यही कहूँगी कि उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और वो अपना न्यूज़ चैनल गल कर दिया शहरी ने मजीद दसिया खुशी के मौके पर गल तो सारे आले वतन आले नूं पहले मेरी तरफों ईद मुबारक। तो इसने विच पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितने भी गरीब बच्चे भी हैं उन्होंने साथ लैके, तो स्पेशली इस पार्क विच कुछ मैं पैगाम देना चाहता कि कुछ गौरमेंट की गैर तवज्जो है कि काफ़ी सारे जड़े ने झूले वो टुटे हुए ने, तो गर्मी की शिद्दत की वजह तो इन्होंने जी तो पैंती है ना भी उदे तो बच्चे बैठने तो विकास। मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत सैर वगैरह की है जी, ईद भी बहुत मज़ा आया जी। मज़े भी त्यौहार है और जो लोग मतलब कि जो झगड़े वगैरह होते हैं हमें लोग होते हैं उनको आपस में, गरीब वगैरह होते हैं उनको आपस में ऐसे नहीं रहना चाहिए कि ईद के दिन भी नाराज़ होना चाहिए। हमारी तो यही दुआ है कि सब अमन से पाकिस्तान में अमर हो जाए बस। और मैं अपनी दोस्त मोना को बहुत बहुत ईद मुबारक करूंगी। तो दूजे पास कोई सिक्योरिटी के खास इंतजाम नहीं सन। इस वाले नाल अल्ताफ पार्क के मालिक रशीद बार ने अपना न्यूज़ में दसिया कि इंतजामिया असी दरख्वास्त दी सी और पुलिस इंतजामिया की तरफों कोई इस तरफ खास तवज्जो नहीं दी गई और सिक्योरिटी के फरज असी अपनी मदद आप दे तहत कर रहे हैं। साडा अपना इंतजाम है प्राइवेट तौर पर, सानू पुलिस वाले ने कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी मुहैया नहीं की। ये साडे मुसलमानों लई खुशी ते मसरत दा दिन है। इस दिन उत्ते सानू उन्हां लोकां नूं भुलना चाहिदा जेड़े इस खुशी तो महरूम। कैमरामैन फरहद नाल अमर क्यानी, अपना न्यूज़ जेलम।